जिन लोगों ने जीवन में कभी काले धन के खिलाफ जंग नहीं लड़ी, वो शायद इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य क्या था ये समझ नहीं पाए हैं। ये उद्देश्य किसी का पैसा जप्त करने का नहीं था। बैंकिंग सिस्टम में पैसा आ जाए उसका ये अर्थ नहीं, वो सारा लेजिटिमेट पैसा था। वित्त मंत्री अरुण जेटली को देश के सामने अपनी ही सरकार के उस फैसले के फायदे गिनाने पड़ रहे हैं, जिस फैसले को लेने की हिम्मत आज तक कोई सरकार वोट छीनने के डर से नहीं कर पाई। पर मोदी सरकार ने देश हित में ये हिम्मत भरा फैसला लिया और जनता ने भी खूब सराहा। चलिए हम खोलते हैं विपक्ष के इन पिलपिले दावों की कलई और बताते हैं आपको नोटबंदी के 5 बड़े फायदे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि नोटबंदी के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में चल रहे 15,44,000 करोड़ रुपए में से 15,28,000 करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में वापस लौटे हैं और इसी को आधार बनाकर विपक्ष झूठी दलीलें दे रहा है। तो सबसे पहले नोटबंदी का फायदा नंबर 1। सरकार ने कभी ये दावा नहीं किया था कि बंद किए गए नोटों का एक हिस्सा वापस नहीं आएगा। नोटबंदी की सफलता ट्रांजैक्शन को बेहतर बनाने और अवैधता व फ्रॉड का पता लगाने के आधार पर आकी जानी चाहिए। 99% नोटों का वापस आना सबूत है कि नोटबंदी का असर अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जा रहा है। फायदा नंबर 2, नोटबंदी ने न सिर्फ अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप दिया बल्कि सरकार के लिए गैर कानूनी और अवैध ट्रांजैक्शन का पता लगाना संभव बनाया। नोटबंदी से कई ऐसे ट्रांजैक्शन का पता लगा जिसमें ब्लैक मनी है। 2,00,000 फर्जी कंपनियां ट्रेस हुई और 56,00,000 नए टैक्सपेयर्स जुड़े। फायदा नंबर 3, नोटबंदी टेरर फंडिंग को रोकने में सफल रही। ये इस फैसले की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में इसका असर साफ दिखा, पत्थरबाज बेअसर हुए। इसके साथ ही सरकार को एक एक जाली नोट को अलग करने के प्रयास में सफलता मिली। फायदा नंबर 4, नोटबंदी का एक प्रमुख उद्देश्य भारत की इकोनॉमी को कैश केंद्रित से डिजिटाइजेशन की तरफ ले जाना था, जिसमें बड़ी सफलता हासिल हुई है। RBI के आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल मार्च के अंत तक नोटों का सर्कुलेशन 20.2% घटकर 13.1 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर आ गया है। फायदा नंबर 5, नोटबंदी के बाद डायरेक्ट टैक्स का बेस बढ़ा है। कैश करेंसी में डील करने वाले बैंकों में पैसा जमा करने के लिए मजबूर हुए हैं। सिस्टम में आने के बाद पैसों की मिल्कियत का पता चला है। इनडायरेक्ट टैक्स का बेस भी बढ़ा है। तो नोटबंदी न केवल भ्रष्टाचार की लड़ाई में मोदी सरकार का सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहा है बल्कि इससे न्यू इंडिया का सपना भी साकार होने जा रहा है।